सोलापूरचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज बापूजी नगर येथील आडम मास्तर यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी आडम मास्तर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आले आहेत। यावेळी राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते महेश कोटे यांच्यासह अनेक नेत्यांची उपस्थिती होती। या भेटीमागे कोणतेही राजकीय वर्चस्व नाही असे यावेळी जयंत पाटील पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले। 78वा वाढदिवस आहे। अनेक वर्ष विधिमंडळात असताना आमच्या सर्वांच्या बरोबर ते विधानसभेत काम करत होते। आज त्यांचा सोलापूरला मी आल्यावर त्यांचा वाढदिवस आहे कळल्यावर त्यांचं अभिष्टचिंतन करण्यासाठी मी इथं आलो। इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के लिए जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक हो एशियाड हो वर्ल्ड स्टेज पे जाके जिन्होंने मेडल्स भारत के लिए लाए बहुत मेहनत की जिनके कारण आज हर भारतवासियों को उनका अभिमान लगता है उन खिलाड़ियों को उन स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स वूमेन को जिस तरीके से दिल्ली के पुलिस ने ट्रीटमेंट दी इसका निषेध करना चाहिए। पिछले कई दिनों से हमारे भारत की जो रेसलर्स है वुमेन रेसलर्स उन्होंने आंदोलन कर रखा है लेकिन सरकार उनके तरफ देखती नहीं है। जो कल्प्रिट्स है उनको भी प्रोटेक्शन देने की सरकार की कोशिश लगातार चल रही है और इसीलिए जिस दिन इस देश में संसद का उद्घाटन था ऐसे महत्वपूर्ण दिन पे जब मीडिया संसद भवन के उद्घाटन का प्रोग्राम कवर कर रही थी तभी इनको उनके आंदोलन की जगह से हटाना उनको घसीट के लेके जाना ज़मीन पे गिरा के उनके ऊपर पैर रखना ये सारी चीज़ें बहुत धक्कादायक है और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से इसका निषेध करते हैं। विजय भूषण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या राष्ट्रवादी की क्या मांग है? जो महिला रेसलर्स हैं उन्होंने जो तकरार की है कंप्लेंट्स की है वो देखते हुए जिस लगातार वो अपना कहना कह रही है तो मुझे लगता है कि जो भी पुलिस ने कार्रवाई आवश्यक स्वरूप से होनी चाहिए वो जल्द से जल्द करनी चाहिए। देख मुझे मालूम नहीं अंदरूनी उनका क्या मामला है लेकिन बीजेपी में राष्ट्रवादी और कांग्रेस के तरफ से जो उस पार्टी में जाके मौजूद हुए हैं वो आज पहले लाइन में बैठे हैं और जो निष्ठावान हैं जिन्होंने बीजेपी बढ़ाने में महाराष्ट्र में कोशिश की है वो और उनके बच्चे सारे पीछे जाके बैठे हैं और इसलिए बीजेपी में बहुत लोग असंतुष्ट है। नहीं मैं मुझे मालूम नहीं उनकी संजय राउत और उनसे क्या बातचीत हुई है और मुझे मेरी हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई तो इसके ऊपर कोई कहना मुश्किल है। नहीं हम तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे। चलो नॉर्थ कोर्ट मैदान। माजी आमदार आणि महाराष्ट्रातील कामगारांचा बुलंद आवाज कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर यांच्या आत्मचरित्राचा प्रकाशन सोहळा दिनांक 1 जून 2023 रोजी सायंकाळी 5 वाजता नॉर्थ कोर्ट मैदान येथे संपन्न होत आहे। तरी या सोहळ्यास हजारोंच्या संख्येनं उपस्थित राहून सोहळा यशस्वी करा ही नम्र विनंती। हा आत्मचरित्र प्रकाशन सोहळा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव माजी खासदार कॉम्रेड सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पॉलिट ब्युरो सदस्य कॉम्रेड डॉक्टर अशोक ढवळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य सचिव डॉक्टर उदय नारकर आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सोलापूर जिल्हा सचिव ॲडव्होकेट MH शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत आहे।